सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। ये 10th क्लास की स्केल नंबर 19 का आज हम कागज बांट करेंगे, तो इसके लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी हाइट चाहिए। तो ये हमारी 19 की लेंथ हमारी है 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी है 60 सेंटीमीटर, हाइट है 150 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ हमारी जोड़ के बनती है 160 और ब्रेड्थ और हाइट हमारी बनती है 210 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसकी जो ज़्यादा वो है हाइट है, हमने जो कागज़ को है वो हाइट की तरफ रखना है। हमने इस कागज़ को इस तरह से हमने घुमा देना है, इस तरह से हम इसको घुमाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से इसमें फुट्टा हमारा लगना है 1.10 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 1.10 सेंटीमीटर का फुट्टा है और हमने इसमें सबसे पहले काटना है लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हमारी जोड़ के आ रही 160, तो ये 150, 160, 70, 80, 90, 200, हाँ बिल्कुल ठीक है 160 है। अब हमने क्या करना है, इसके जो बच गई हमारी शीट गई है इसके हमने बराबर 3 भाग करने हैं। तो हमने यहाँ से इसमें एक न्यून कोण लेना है जैसे कि हम लेते आए, और हम यहाँ से डार्क लाइन लगा देंगे, हमें डॉटेड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने इस रेखा पे जो ये हमने डॉटेड लाइन लगाई, अपने न्यून कोण लिया है, इस पर हमने 3 निशान लगाने हैं, 1 निशान, 2 और 3। इस तरह से हमने इसमें 3 निशान लगाने हैं और इन तीनों निशानों को हमने समांतर रेखाओं में मिलाना है। जैसे हम ये जो आपका तीसरा निशान है, ये 1, 2, 3 है, तीसरा निशान हमारा यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, यह आ जाएगा। अब इसी के समानांतर हमने जो है वो 2 से भी लाइन लगानी है और 1 से भी लाइन लगानी है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो हमारी शीट बच गई थी इसके हमारे बराबर 3 भाग हो गए। यदि आप इसको देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं क्या ये हमारे भाग बराबर हुए हैं, 1, 2 और 3। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर हमने भाग इसके ले लिए। अब हमने क्या करना है, एक भाग हमने पहले यहाँ से ये छोड़ देना है, फिर हम इसमें काटेंगे लेंथ। अब हमने यहाँ से लेनी है और लेंथ हमारी है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लेंगे इसकी पहले लेंथ जो हमारी है 100 सेंटीमीटर। तो हमने लेना है एक भाग, यहाँ से एक भाग, फिर हमारी है ब्रेड्थ और ब्रेड्थ हमारी इसमें है 60 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए बिल्कुल 60 देखो यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से अब हमने जो है ऊपर भी इसके यहाँ भी हमने बराबर निशान लगाने हैं और फिर इसको हमने आपस में मिला देना है। इस तरह से हम ये निशान ऊपर नीचे मिला देंगे और हम शीट को इधर को घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे। और हमने यहाँ से काटना है हाइट और इसकी ब्रेड्थ, और हाइट और ब्रेड्थ हमारी जोड़ के जो आ रही है वो आ रही है 210। जो हमारा हाशिया है हाशिए से बाहर ये 200 और ये 210, 10 में मैंने निशान लगा दिया। अब जो हमारी शीट बच गई है इसके हमने बराबर 5 भाग करने, तो 5 भाग करने मैंने आपको बता रखा है। हमने यहाँ से न्यून कोण लेना है तो हम इसके लिए डार्क लाइन ले सकते हैं। अब हमने इसमें 5 निशान लगाने हैं, ये जो आपकी रेखा आ रही है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इससे हमारा 5 भाग जल्दी हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब पांचवा जो भाग है वो हमने यहाँ मिलाना है, जो हमने 5 निशान लगाई, भाग नहीं 5 निशान हमने लगाए, पांचवा जो निशान है वो हमने लास्ट लाइन पे मिलाना है, इस पॉइंट पे हमने यहाँ इसको मिलाना है इस तरह से। अब हमने यही इसी के समानांतर रेखा लेनी है 4 से,
हम लेंगे 3 से, ये रेखा हमारी आएगी 2 से और फिर आएगी 1 से इस तरह से, और ये हमारे जो है वो बराबर 5 भाग हमारे बची हुई शीट के हो चुके हैं। इसको देख लेता हूँ, ये देखिए 1 2, ये आप देख सकते हैं 3 बिल्कुल बराबर है, ये देखिए 4 बिल्कुल बराबर है, ये देखिए 5 बिल्कुल बराबर भाग आ रहे हैं। और हमने क्या करना है, 2 भाग जितनी प्रकार खोलनी है, ये हमारे 2 भाग है और यहाँ से हम इसमें निशान लगा देंगे, ये हमने काट दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने काटनी है हाइट, और हाइट इसकी है 150 है, तो ये आपका 150 आ गया है। वो हमने एक भाग जितना इसका एक भाग है, ये देखिए इतनी प्रकार खोल के हमने एक भाग छोड़ देना, 2 भाग हमने पहले छोड़ दिए थे, फिर हाइट, फिर एक भाग, वो हमने काटनी है इसकी ब्रेथ, ब्रेथ इसकी है 60 सेंटीमीटर। तो आपने ये देखना अभी यहाँ पे, मैं इसमें 60 सेंटीमीटर निशान लगा दूंगा, ये देखिए यहाँ से पीछे 2 भाग है और ये देखिए यहीं पे मेरी 60 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है, ये देखिए यहाँ ये, तो इसका मतलब है कि जो 2 भाग है जितने हमारे ये है बराबर बिल्कुल बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारा बच गया है। इसी तरह से अब हम जो है यहाँ पे भी निशान लगा देंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से हम इसी कागज बाट कर लेंगे और अब हम यहाँ लिख देंगे इसमें एक्स और वाई लाइन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ लिख देंगे और यहाँ हम इसके बीच में जो आपका ये स्पेस बचता है इसके बीच में यहाँ लिखेंगे एलिवेशन, साइट, यहाँ प्लान और प्रोजेक्शन, इसको हम लिखेंगे और फिर हमारा ये फेयर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसमें लिखना है एलिवेशन, साइट, प्लान, प्रोजेक्शन, ये इसकी हाइट, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी लेंथ। और अब आपने क्या करना है, इसमें जो आपका ये वर्ग बन रहा है इसका भी आपने आधा कर देना है इस तरह से, और ये जो आपका वर्ग है वो यहाँ से मिट जाएगा आधा इस तरह से, इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। यहाँ जो जगह बच जाती है हमारी, यहाँ पे हम फुट्टा बना सकते हैं और जो स्केल कार्ड यूज करेंगे ना, वो जैसे 1.10 स्केल कार्ड हम इसमें यूज करें तो आपने यहाँ पे बनाना है। और इस तरह से ये आपकी कागज बांट पूरी हो चुकी है स्केल नंबर 19 की, स्केल नंबर 19 की आपकी कागज बांट पूरी हो चुकी है। इस तरह से आपने भी करनी है। अगली वीडियो में मैं आपको स्केल नंबर 19 बना के बताऊंगा, टॉवल स्टैंड की स्केल है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है।